सिंगापुर के एक फीमेल यूट्यूबर जिसका नाम है नरिस सोचता, उसका यूट्यूब चैनल है नरिस डायरीज जिसपे करीब 8,47,000 सब्सक्राइबर है। उसने करीब 6,000 लोगों को 436 करोड़ का छूना लगा लिया है। जी हाँ, दिखने में बोली भाली सी यूट्यूबर काफी चालाक निकली। शायद इतना पैसा वो यूट्यूब से कभी कमा ही नहीं पाती जितना उसने लोगों को चूना लगा के कमा लिया है। इस पॉपुलर थाई यूट्यूबर का असली नाम है नाटमान कोंगचाक, जो कि करीब 55 मिलियन डॉलर हड़प के विदेश भाग गई है और इसने करीब करीब 6,000 लोगों को लूटा भी है। इसको जाने के लिए हम कुछ पीछे चलते 5-6 महीने पहले। दरअसल मई 2022 में नटी ने एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली जहां उसने लिखा कि उसे करीब 27 मिलियन डॉलर की जरूरत है और वो कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहती है और करीब 35% रिटर्न भी देगी कस्टमर को इन्वेस्टमेंट के रूप में। अनेट मोने एक पोस्ट में ये डालते हुए क्लेम किया कि अगर उसे कोई पेमेंट देता, पैसा देता एज इन्वेस्टमेंट, तो वो करीब 25% रिटर्न करेगी 3 महीने के पीरियड में। अगर वो उसे 6 महीने के लिए पेमेंट देता वो करीब 30% रिटर्न करेगी और करीब 12 महीने के लिए करता तो करीब 35% प्रॉफिट रिटर्न करेगी। ऐसा उसने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में क्लेम किया था। चूंकि ये यूट्यूबर काफी फेमस थी और इंस्टाग्राम पे भी इसके अच्छे खासे फॉलोवर है थाईलैंड में, तो काफी सारे लोगों ने इस पे विश्वास जता के और कई सारा इन्वेस्टमेंट भी कर दिया और करीब 6,000 लोग इसके झांसे में भी आ गए। पहले तो उसने लोगों को मंथली पे आउट भी किया टाइम टू टाइम, लेकिन कुछ महीनों बाद वो इनएक्टिव हो गई सोशल प्लेटफॉर्म से, दोनों यूट्यूब और इंस्टाग्राम से। आप देख सकते हैं कि पहले हर महीने उसके यूट्यूब पे 5-6 वीडियो आ जाते थे, लेकिन पिछले 5 महीनों से वो इनएक्टिव है। इन 6,000 में से करीब 102 लोगों ने पुलिस को कंप्लेन की कि ऐसा उनके साथ फ्रॉड हो चुका है, लेकिन तब तक वो विदेश भाग चुकी थी। एक्चुअल में ये सारा पैसा वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करके मोटी रकम कमाना चाहती थी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि वो फेल हो और उसका सारा अमाउंट था वो स्टॉक मार्केट यानी फॉरेक्स मार्केट में चला गया। उसका एक मेल विक्टिम ऐसा था कि उसने करीब 11.5 करोड़ रुपए उसे दिए थे और सारा का सारा उसका पैसा डूब गया। तो उसने रिपोर्ट लिखा की करीब 14,18,350 थाई भाट उसने नटी को दिए थे, लेकिन वो डूब चुका है। तो ऐसे ऐसे करके करीब 6,000 इन्वेस्टर थे उसके पास और सारे के सारे सर पे हाथ रख के रो रहे। वैसे इतना सारा अमाउंट उसने लॉस तो नहीं किया होगा, जरूर उसने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वो विदेश भाग गई होगी, जैसा अपने देश में विजय माल्या ने किया और कई सारी कंपनियां ऐसा काम करती है। लेकिन एक फीमेल यूट्यूबर ने गजब का चूना लगा लिया। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।